हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमरहमन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये भी अभी अभी बीजेपी पार्टी की ओर से एनआरसी के बारे में एक नए एक ज़रूरी खबर निकल के आ रहा है। तो बीजेपी पार्टी का कहना है कि एनआरसी के ऊपर अब उनका भरोसा नहीं रहा। तो पूरा वीडियो जो है, पूरा खबर विस्तार में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जान के जाना। और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि छोटा बड़ा अपडेट यानी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए, क्या न्यूज़ आ रहा है बीजेपी पार्टी की ओर से, जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अभी भी देख सकते हो, अभी कुछ एक घंटे पहले ये न्यूज़ आया है। तो मैं आप लोगों के सबसे पहले लेकर आ गया हूँ। मैं आप लोगों के लिए हर छोटा बड़ा अपडेट देने की कोशिश करता था कि आपको इसके बारे में अपडेटेड रहे, आपको किसी को इसके बारे में पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो अभी देखिए, असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर यानी NRC पर अब बीजेपी को ही भरोसा नहीं। पूरा विस्तार पर जान के जाइए। अभी देखिए, गुवाहाटी, असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब बीजेपी को ही भरोसा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों की चाहती एकता चाहता था कि NRC अपने ड्राफ्ट लिस्ट में कम से कम 20% नामों को फिर से जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। उसने NRC पर भरोसा किया है, जिसके दावा है कि 35% नामों को फिर से जांच की गई है। बीजेपी कहती है बिना पूरी जांच के NRC बांग्लादेशी मुक्त नहीं होगी। असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंद्र भट्टाचार्य असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित है। 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है। चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तखत के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरेंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि सूची के 20% नामों को फिर से जांच हो, लेकिन ऑल आसाम माइनॉरिटी यूनियन इसे NRC को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है। तो फ्रेंड्स, यही आया है NRC के बारे में बीजेपी पार्टी की ओर से नए इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।